ऑक्सीजन, ये चीज आज की डेट में सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती हो चुकी है। हर तरफ इसी की चर्चा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान को जिंदा रखने में ऑक्सीजन का कितना बड़ा हाथ है, कि ऑक्सीजन को कैसे तैयार किया जाता है, किन प्रक्रियाओं के इस्तेमाल से ऑक्सीजन को हवा से अलग किया जाता है और किस तरह से कंप्रेस करके इन सिलेंडर्स में भरा जाता है। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से एनिमेशन और HD विजुअल्स के साथ ये दिखाएंगे कि इन प्लांट्स में ऑक्सीजन कैसे तैयार की जाती है। मगर आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले कितने वैल्यूएबल और नॉलेजेबल कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए एक लाइक बनता है, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो ला सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे बनती है ऑक्सीजन। यूं तो ऑक्सीजन बनाने की कई अलग अलग प्रोसेस होती है, मगर इन प्लांट्स में ऑक्सीजन को एयर से एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को ही तैयार किया जाता है, जो कि प्रोसेस बाकियों के मुकाबले काफी आसान और क्विक हो जाती है। हालांकि यहाँ भी ढेर सारा ताम झाम इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑक्सीजन यूं ही नहीं बनती, हवाओं को कई बलून्स और कंप्रेसर्स से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये ऑक्सीजन सिलेंडर में स्टोर कर पाना संभव हो पाता है। ऑक्सीजन बनाने के लिए सबसे पहले खुली हवा को प्लांट्स में सक किया जाता है। पृथ्वी पर व्याप्त एयर में कई अलग अलग तरह की गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे अधिक तकरीबन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% से भी कम हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस का है। सेपरेशन टावर में लगे फिल्टर्स के जरिए हवा से धूल मिट्टी के कणों को सेपरेट किया जाता है। अब आगे जाने वाली एयर में सिर्फ और सिर्फ गैसेस ही होती है, और अब इन गैसेस को भी अलग करना पड़ता है। इसके लिए बस इस गैस को कंप्रेसर में डालकर कंप्रेस किया जाता है, जिससे हवा से वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, आर्गन जैसी सभी गैसेस और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है, जिसके बाद इन्हें बेहद ही जरूरी प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके अंतर्गत इस लिक्विड को इन क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक्स में लाकर -173 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा किया जाता है। अब सारी गैसेस एक्चुअल में अलग अलग चैम्बर्स में आ चुकी होती है, जो कि ऑक्सीजन की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए सबसे निचले चैम्बर में स्टोर हो जाती है। अब क्या इन्हें होसेस और पाइप्स की मदद से फिलिंग स्टेशन पर लगे इन ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल किया जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि ऑक्सीजन गैस कितनी हल्की और कंप्रेस होती है, कि करीब 60 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर में 7800 लीटर ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है, जिसके दम पर पूरे एक घंटे तक एक शख्स की सांसें चलाई जा सकती है। यहाँ आपको बताते चले कि इंसान शरीर को जिंदा रहने के लिए 7 से 8 किलोग्राम हर मिनट चाहिए होता है। बहरहाल, जहाँ तक बात ऑक्सीजन सिलेंडर की है, तो आइए एक नजर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर उतना ही अहम है जितना कि ऑक्सीजन गैस। बगैर सिलेंडर के इस गैस को हैंडल करना बेहद मुश्किल है। वेल, इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बनाने की शुरुआत होती है इन क्रोमियम और मोलिब्डेनम एलॉय डिस्क से, जो कि अब से 6 घंटे पहले तक 3600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तपाई जा सकती होती है। एक रोबोट एक आर्म इस डिस्क को पकड़कर केमिकल के टैंक में टिप करता है, जिससे कि इसे पहले से कहीं मजबूत बनाने में मदद मिलती है। अब सीधे ही इसे इस कास्टिंग मशीन में लाकर इस प्रेसिंग डोम के जरिए सिलेंडर को शिप में कास्ट करते हैं। इस दौरान इस पर 800 टन का प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ये वजन 2 फुली लोडेड जंबो जेट विमान होता है। लगातार सिलेंडर के मोल्ड्स को स्क्रैच कर सिलेंडर के बटन को अंदर की ओर पिचका दिया जाता है, जिससे कि सिलेंडर सीधा खड़ा रह सके। आखिर में ऑक्सीजन सिलेंडर के टॉप को सील करने के लिए रफ कास्टिंग मशीन और गैस टॉर्च को इस्तेमाल किया जाता है। आग की लोक के नीचे सिलेंडर को घिसकर इनके टॉप्स को सील कर दिया जाता है। जस्ट गैस के इनलेट और आउटलेट के लिए नोजल्स को छोड़ा जाता है। अब इन सिलेंडर्स को पहले 900 डिग्री सेल्सियस के बेहद ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और उसके बाद इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के चिल्ड पानी में डुबोकर एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज का एहसास किया जाता है, जिससे कि इन सिलेंडर की बॉडी बिल्कुल सख्त और हाई प्रेशर गैसेस को सहन करने के लिए तैयार होती है। आखिर में इन सिलेंडर्स पर इस CNC मशीन के जरिए इस सीरियल नंबर को उकेरा जाता है, और आखिर में इनके नोजल को भी फिक्स कर दिया जाता है, और कुछ यूं बनकर तैयार होता है ऑक्सीजन।